कांग्रेस सांसद के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह, आप देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। कोई जबरन घुसाता है और संसाधनों का उपयोग करता है, ये गलत है, उन्हें वापस जाना ही होगा। पता नहीं कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है। एनआरसी के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है और एनआरसी बड़ा साफ छत्तीसगढ़ के और देश के बारे में, जो खासतौर से असम के बारे में आया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 71 के बाद जो लोग आए थे उनका नाम लिया गया। आज एक आंदोलन चला वहां की जनता के द्वारा, आंदोलन चला जनता ने और वहां के लोगों ने कहा कि अन्य देशों से, बांग्लादेश से बाकी घुसपैठ आए हैं उनको अलग करने के लिए एनआरसी और सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद इसका गठन हुआ। आज बांग्लादेश असम की सबसे बड़ी समस्या है, बॉर्डर के अन्य स्टेट की समस्या है। क्या मैं भी कहता हूं कि इस देश को धर्मशाला बना दोगे क्या? कोई भी आके इस देश में, कोई आपके घर में आएगा, आपके परिवार में चार लोग हैं, चार लोग आके आपके घर में कब्जा कर ले, आपके पास जो संसाधन है उसका उपयोग करने लगे तो आप मंजूर करोगे? इस देश में ये संभव ही नहीं है, उनको वापस जाना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोग वोट की राजनीति के लिए देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये समझ के परे है, मगर देश की जनता ने इस बात को लेकर और खासतौर से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के नागरिकों को हटाया नहीं जाएगा, पर जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं जिनकी नागरिकता नहीं है उनको हटाया जाएगा।